इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने जा रहा है और आइए देखते हैं कि देश के महान ज्योतिषज्ञ पंडिताचार्यों द्वारा राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या बताया गया है। 12 ही राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा ये हम जानेंगे और ज्योतिषाचार्यों द्वारा कुछ चेतावनी भी आ रही कि सूर्य ग्रहण के दिन ये राशियां संभल कर रहें वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण कुछ ऐसी परिस्थितियों में लगने जा रहा है जिसके चलते 3 राशियों के सम्मान को ठेस पहुंच सकता है तो वहीं कुछ राशियों को आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी राशियों को फायदा होगा और कौन सी राशियों को नुकसान होने की संभावना है, उसके उपाय क्या है वो भी जानेंगे हम। 20 अप्रैल के दिन भारतीय समयानुसार सुबह 7:05 से दोपहर 12:29 तक सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखेगा लेकिन इसका असर कुंडलियों में जरूर आएगा। सूर्य ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होता है। जब भी सूर्य को ग्रहण लग रहा होता है उस समय शनि वक्री अवस्था में नहीं है तो कुछ राशियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए एक एक करके 12 ही राशियों पर नजर डालते हैं। नंबर 1 मेष राशि, क्योंकि दोस्तों ये सूर्य ग्रहण ही मेष राशि में लग रहा है और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेष राशि में कौन कौन से जातक आते हैं। जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर एल या ई से शुरू होता है या अंग्रेजी के AL या I अक्षर से शुरू होता है वे जातक मेष राशि में आते हैं, जैसे अभिषेक, लाला राम, इंदु वगैरह वगैरह। और चंद्रमा मेष राशि का है, इसका मतलब स्वास्थ्य को लेकर आपकी थोड़ी चिंता हो सकती है। 20 अप्रैल से लेकर अगले 45 दिनों तक आपको सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो उनकी सेहत को लेकर भी आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पंचम स्थान संतान का भाव होता है, यानी कि संतान को लेकर आपके बच्चे बच्चों को लेकर भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसकी सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। मेष राशि वालों के लिए उपाय निकल कर आ रहा, सूर्य ग्रहण के बाद आप लगातार 45 दिन तक सूर्य देव के मंत्र का जाप करें, क्योंकि सूर्य हेल्थ के कारक है। सूर्य से ऊर्जा मिलती है जो आपके स्वास्थ्य में ऊर्जा संचार को बढ़ाती है। चलिए नंबर 2 आता है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण 12वें भाव में लग रहा है। 12वां भाव आपकी कुंडली में अनिद्रा का भाव होता है और खर्चा भी यहीं से आता है। जब 12वें भाव में ग्रहण लगता है तो 6ठे भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है और ये भाव भी पीड़ाकारी होता है। ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। किसी और को पैसे देने से आप बचें, खर्चों पर थोड़ा सा लगाम जरूर रखें। आपकी कुंडली में सूर्य 4थे भाव के मालिक बनते हैं। 4था भाव सुख स्थान का होता है और 4था भाव माँ का स्थान का भी होता है, यानी माँ की सेहत को लेकर भी थोड़ी चिंता सताएगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अगले 45 दिन तक इस फैसले को थोड़ा टाल दें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आपके लिए शुभ रहेगा ना? वैसे आपको बता दूं, वृष राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर ब, व या उ से या अंग्रेजी के BV या U अक्षर से शुरू होता है। चलिए अगली राशि आती है दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का हिंदी में अक्षर क, छ, ग या क का की से शुरू होता है, अंग्रेजी में KCH या GH से। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य 11वें भाव से गोचर करेंगे और 11वें भाव से संबंधित जो फल हैं उनकी हानि हो सकती है आपकी जिंदगी में। 11वां भाव दोस्तों आय का भाव है, इनकम का, रुपए पैसों का, प्रमोशन का भाव होता है, यानी कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट फील्ड में नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आपकी कमाई, आर्थिक रुपए पैसों पर भी आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यदि आपका रिश्ता तय होने वाला है तो उसमें भी थोड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य आपकी कुंडली में 3रे भाव के स्वामी बनते हैं। 3रा भाव साहस का भाव है तो हो सकता है कि इन दिनों आप थोड़ा कंफ्यूज रहे, आपके मन में किसी तरह की शंका, डाउट हो सकती है, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं और छोटे भाई की सेहत का खास ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए अगली राशि आती दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का हिंदी में अक्षर डे डाडी या है हा ही से शुरू होता है, डी या एच से। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण 10वें भाव में लग रहा है और ये आपके पिता का भाव है, यहीं से आपकी जॉब और प्रोफेशन देखा जाता है। तो हो सकता है कि कार्यस्थल पर किसी के साथ आपका मतभेद हो जाए, यानी कि जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर किसी के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, 3-5 झगड़ा हो सकता है। सूर्य यदि 10म में बैठेंगे तो 4थे भाव को देखेंगे। वाहन या कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो इस फैसले को थोड़े दिनों के लिए टाल देना ही सही रहेगा। बाकी आप खान पान पर ध्यान दें और ये जो मैं आपको सावधानियां बता रहा हूँ ना अलग अलग राशियों की, इन बातों का जरूर ध्यान रखें तो आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। चलिए अगली राशि आती है दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि में मैं या टैटाटी से नाम से शुरू होने वाले जातक आते हैं, मैं मामी से, एम या टी अक्षर वाले है ना। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य अपनी ही राशि यानी कि आपकी ही राशि के स्वामी को ग्रहण लग रहा है, क्योंकि सिंह राशि के जातकों का स्वामी सूर्य ही होता है और सिंह राशि की कुंडली में भी एक सूर्य ग्रहण लग रहा है 9वें स्थान में। तो अपनी इच्छा मुताबिक आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ अड़चने देखने को मिल सकती है। आपकी कुंडली में केतु भी विराजमान है और इसीलिए आपके भाई की सेहत को लेकर आपको यहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। चलिए अगली राशि आती दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि में वे नाम के जातक आते जिनके नाम का पहला अक्षर पैठ या अण से या पी या टी एच से शुरू होता है। तो कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 12वें भाव के स्वामी में अगर
ग्रहण चला जाए और अष्टम भाव में सूर्य का चले जाना अच्छा नहीं होता है। तो अष्टम भाव से आयु और दुर्घटना वगैरह देखी जाती है। दूसरा भाव मार्केश का होता है। तो कहने का मतलब ये है आप थोड़ा वाहन वगैरह धीरे चलाएं ताकि कभी कोई दुर्घटना घटने की संभावना ना रहे। और दूसरे भाव में आपकी कुंडली में केतु भी विराजमान है, यहाँ पर भी सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, यानी आपको सेहत में भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर कोई गंभीर बीमारी होगी, काफी लंबे समय से लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, वरना ये लंबी बीमारी बन सकती है। और ड्राइविंग थोड़ी सावधानी से संभल कर करें, ठीक है ना। चलिए अगली राशि आती है दोस्तों, तुला राशि। तुला राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर री से या ताती तू से शुरू होता है, आर या टी अक्षर से, है ना। और तुला राशि के जातकों के लिए जो ये ग्रहण लग रहा है ना, वो सप्तम भाव में है और सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है। तुला राशि के लिए सूर्य ग्यारहवें भाव के भी मालिक बनते हैं, इसके ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी आय थोड़ी प्रभावित हो सकती है। पार्टनर और अपनी खुद की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें, यानी कि आप अगर शादीशुदा तो अपनी पत्नी, अपने लव पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें तो अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सावधानी निकल कर आ रही है। सबसे पहले देखिए आप वृश्चिक राशि में वे जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर नैनानी से या ये अक्षर से शुरू होता है, एन या वाई से। तो वृश्चिक राशि के जातकों के छठे भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है, तो ध्यान दें किसी की लोन वगैरह में कोई गारंटी ना लें, बेवजह किसी के मसले में अपनी टांग ना अड़ाएं, अपनी सेहत को लेकर भी बिल्कुल लापरवाह ना रहें। 20 अप्रैल के बाद अगले 45 दिनों तक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं, जॉब में थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जिंदगी में प्लानिंग बनाएं, लाइफ में आगे बढ़े, है ना। अगली राशि आती है दोस्तों धनु राशि। धनु राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर भय ध फ या ढ से शुरू होता है। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी ग्रहण लगेगा पंचम भाव में। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव होता है और इसीलिए अगर आप गर्भवती हैं या छोटा बच्चा है तो दोनों ही स्थितियों में थोड़ा संभल कर रहे। अगर ग्रहण वाले दिन ही डिलीवरी होती है, खास तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य की दृष्टि भी आय के स्थान पर ऊपर जा रही है, तो हो सकता है कि आपकी इनकम में कमाई में भी थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। धार्मिक यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी बढ़ते हैं। चलिए अगली राशि आती है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए जो नाम का अक्षर होता है वो होता है ख या ज, के एच जे। मकर राशि के जातकों के चौथे भाव में ग्रहण लगेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस मसले को थोड़ा टाल दें। माँ की सेहत को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं। सिंह राशि अष्टम भाव में आएगी, तो ड्राइविंग वगैरह थोड़ा संभल कर करें, आपके लिए भी ये सावधान भरी चेतावनी निकल कर आ रही है। अगली राशि आती है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि में तीनों से आ गए और एक ग अक्षर, ग गमले वाला, जी एस या एस एच नाम से शुरू होने वाले जातक कुंभ राशि में आते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के साथ ही आपके तीसरे भाव में ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरे भाव में छोटे भाई वगैरह की सेहत को लेकर ध्यान रखें, मेहनत के मुताबिक फल नहीं देखने को मिलेंगे। अगली राशि आती है दोस्तों मीन राशि। मीन राशि में द दादी या च झ थ नाम से शुरू होने वाले जातक आते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण दूसरे भाव में लगेगा और दूसरा भाव धन का भाव होता है। खान पान भी यहीं से आता है और कुटुंब भी यहीं से देखा जाता है, तो धन हानि हो सकती है। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, आपकी सेहत को लेकर भी। बेवजह के लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। अष्टम भाव में राहु का गोचर हो रहा और केतु का गोचर अष्टम भाव में अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है ना। तो ये दोस्तों 12 ही राशियों के लिए मैंने आपको सावधानियां बता दी। खास करके तीन ऐसी राशियां मिथुन कुंभ और मीन राशि जिन जातकों को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और बाकी तो जिंदगी में अगर अच्छा काम करो तो हमेशा अच्छा ही फल मिलता है। बाकी ढेर सारी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। भगवान आपकी जिंदगी में आपको हमेशा खुश रखे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, सूर्यदेव की साक्षात कृपा आपकी जिंदगी पर बनी रहे, सूर्य की ऊर्जा का संचार हो, मेरी तो यही प्रार्थना है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखना और इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।